वेलकम मैम पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो इन टुडेज वीडियो में करने वाली हूँ सरोजनी नगर ज्वेलरी हॉल। मैंने अपने चैनल पे पहले भी बहुत सारे सरोजनी नगर के हॉल करे हैं, बट वो स्पेसिफिकली क्लोथिंग हॉल थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार ज्वेलरी हॉल भी करूँ, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मैंने सरोजनी नगर विजिट किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी। सो आप देख सकते हो कि मैं कितने सारे मैंने आइटम्स परचेज किए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि वहाँ का क्या कलेक्शन आया हुआ था, ताकि आप भी वहाँ पर जाके ज़रूर शॉप करो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो। तो गाइज मैं फर्स्ट स्टार्ट करी हूँ ईयरिंग्स से, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे ईयरिंग्स परचेज किए थे। तो जो मैंने रिसेंटली परचेज किया मैं वही आपको दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप वहाँ पे विजिट करते तो वो आपको भी वैसे ईयरिंग्स मिल जाएँ। वहाँ पे एक जो कलेक्शन होती है ना, वो अपडेट होती रहती है, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी न्यू फैशन मतलब न्यू ट्रेंड चल रहे होते हैं, आपको सब कैटेगरी के ईयरिंग्स मिलेंगे। सो गाइज जो मैंने ये फर्स्ट ईयरिंग्स खरीदे हैं वो कुछ ऐसे ब्लू कलर के दिखते हैं। ये मुझे बहुत यूनिक और बहुत प्यारा डिज़ाइन लगा इसका, और इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे। एक ब्लू था, रेड, ग्रीन, येलो, इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे। और ये मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लगे, परफेक्ट लेंथ के हैं। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे कि मैंने ना उनको फर्स्ट से जैसे देखा ना वैसे ही परचेज कर लिया था। सो ये कुछ पहनने के बाद ऐसे लगते हैं, सी गाइस, ये कितने ज़्यादा प्यारे और एलिगेंट लग रहे हैं। सो इनका जो कॉस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ आप गेस करो कितने का होगा, कमेंट सामने के बताओ इसका प्राइस आपने क्या गेस किया था। सो गाइस इसका जो कॉस्ट है सिर्फ 30 रुपीज़ में मैंने परचेज किया, ओनली 30 रुपीज़। मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे तो मैम बहुत सस्ते ले लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो मैंने पेयर ख़रीदा है वो कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखते हैं। ये जो हूप ईयरिंग्स हैं, हूप ईयरिंग्स का कोई अपडेटेड वर्जन मान लो, ये इतने प्यारे दिख रहे थे मुझे ये वाले। एंड गाइस ये मैंने सेम ईयरिंग्स इंस्टाग्राम स्टोर पे भी देखे थे, वहाँ पे ये काफ़ी कॉस्टली थे और मैंने इनको सिर्फ परचेज़ किया 50 रुपीज़ में। इसमें डिज़ाइन देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको हूप ईयरिंग्स पहनने पसंद तो आप कुछ ऐसा भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं ये। उसके बाद जो मैंने ईयरिंग्स लिए हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं गाइस। इसमें ना बहुत प्यारी सी आवाज़ आती है, मतलब बहुत हल्की सी और बहुत प्यारी सी आवाज़ आती है। यानी इतने ज़्यादा प्यारे ब्लैक मेटल में है, और इसमें भी दो शेड, इसमें एक और शेड थी सिल्वर और गोल्डन वाली भी थी आई गेस, पर मुझे ब्लैक मेटल में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं ये, और ये पहनने के बाद इतना ज़्यादा एलिगेंट लुक देते हैं गाइस एकदम। और जो इनका कॉस्ट था सिर्फ 30 रुपीज़ में मैंने ये परचेज़ किया था, तो 30 रुपीज़ में तो ये बहुत अच्छे हैं। और मतलब मैं हर बार जाती थी, ये वाले ईयरिंग्स ना काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहे थे, तो मैं बहुत डाइसी थी कि मैं इनको अभी यूज़ करूँगी भी नहीं करूँगी, बट इस बार तो मैंने इनको ग्रैब कर लिया क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई बिल्कुल भी। उसके बाद जो मैंने ईयरिंग्स का पेयर ख़रीदा है वो कुछ ऐसा दिखता है मल्टी कलर में। आप गाइस देख सकते हो इसमें कितने सारे कलर्स हैं, मतलब ये आपके कितने सारे आउटफिट के साथ जाएगा। प्लस इसका जो डिज़ाइन है कितना ज़्यादा यूनिक है, मतलब मैंने ना ऐसा ईयरिंग्स आज तक नहीं देखा। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, अगर आप इसको प्रॉपर इंडियन वे के साथ पहनोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब इसके जो इसमें जो फ्लावर्स के अंदर कलर्स लगे हुए हैं ना, आप देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे ईयरिंग्स हैं। और इनका जो कॉस्ट था भैया 100 कोट कर रहे थे, बट मैंने बोला भैया ठीक लगा लो, तो उन्होंने मुझे 70 रुपीज़ में दे दिया। एंड इसकी क्वालिटी रियली में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड उसके बाद जो मैंने ईयरिंग्स का पेयर ख़रीदा है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब इसमें देखो पीकॉक के जो डिटेल्स हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। प्लस इसमें जो ब्लैक कलर है और इसके साथ ऐसे ये बीट्स लगे हुए हैं, कितना अच्छा लुक आ रहा है इनका। और इसमें भी ब्लैक के अलावा और भी कलर अवेलेबल थे, पर मैंने ब्लैक चूज़ किया क्योंकि ब्लैक हर एक पे चल जाता है, तो ये बहुत अच्छे थे। और इनका कॉस्ट 50 रुपीज़ का था। ईयरिंग्स में मैंने ये वाली स्टफ खरीदा था। अगर मैं बात करूँ हैंड एक्सेसरीज़ का, जो फर्स्ट आइटम मैंने परचेज़ किया था वो कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ इसमें शेल्स लगे हुए हैं पूरे में, ये पेयर है साथ में, और इसमें ना जो ब्लैक कलर का ये थ्रेड वर्क है और उसके ऊपर ये शेल्स लगे हुए हैं। सी, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स अवेलेबल थे, जैसे कि ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ब्लैक। तो मैंने हम सेफ साइड के लिए ब्लैक परचेज किया था, क्योंकि एज आपको बताइए ब्लैक सबके साथ चल जाता है, और ये पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। भैया इसका कोट कहे थे 150 रुपीज़, पर मैंने जब डिस्काउंट किया थोड़ा बार्गेन किया तो ये 100 में मुझे दो पेयर, मतलब 100 में पूरा पेयर मिल गया था। तो मैंने पेयर खरीदा है इसके लिए कुछ हैंड कप जैसा है, मतलब इसको ना आप ऐसे ओपन करके
ऐसे पहन सकते हो, कितना इजी टू वेयर है गाइस। और इस पर वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, अगर आप इसकी डिटेलिंग देखोगे इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग हो रखी है। वहाँ पे ना भैया के पास रिंग्स बहुत सस्ती मिलती थी, लाइक वो 30 रुपीज़ की एक रिंग सेल कर रहे थे, बाकी शॉपिंग कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा चीप थी। जो मैंने फर्स्ट रिंग परचेज़ की थी वो है ऐसी कुछ मिरर वर्क में। मैंने पर्सनली ना इससे पहले कभी भी रिंग्स में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने कभी रिंग्स नहीं पहनी, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही रिंग्स खरीदी थी। तो जो फर्स्ट रिंग है वो कुछ ऐसे दिखती है, और सेकेंड जो मैंने ये पहनी हुई है मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली, और कितनी मतलब यूनिक सी है ये। तो सेकेंड रिंग मैंने ये वाली परचेज़ की थी, इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है, और एक ये सिंपल सी। तो इन दोनों का कॉस्ट 30 रुपीज़ ईच था। मेरा जो मैंने लास्ट मतलब आइटम खरीदा वहाँ से, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और जिसको मैं देख के मतलब ब्लोन आउट हो गई थी कि इतना चीप कैसे है, जो कि है ये सेट। मतलब इसमें आपको ईयर रिंग्स और नेक पीस का सेट मिलता है, और आप गेस करो ये कितने का होगा, मतलब ये सेट है पूरा और ये कितने का होगा। मतलब ये मुझे आपको पहले ओपन करके दिखाती हूँ ये दिखता कैसा है गाइस। इसकी कुछ ऐसे दिखता है, इसमें इतने ज़्यादा मल्टी कलर्स दे रखे हैं, और ये पहनने के इतना ज़्यादा अच्छा लुक देता है। मतलब आप सिर्फ ये पीस पहन लो और आपको कुछ और पहनने की ज़रूरत ही नहीं है इस सीरीज में। सी इसकी फिनिशिंग्स लेके इसके कलर इतने ज़्यादा अच्छे हैं, और इसके ईयरिंग्स बहुत सिंपल से और बहुत प्यारे से हैं रेड कलर के। और मुझे ये पूरा सेट मिला था सिर्फ 100 रुपीज़ में, सिर्फ 100 रुपीज़ में। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि ईयरिंग्स प्लस नेकलेस का सेट 100 रुपीज़ में मिल रहा हो, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आए हो आपको मेरा ये ज्वेलरी हॉल पसंद आया हो, कमेंट्स करो कि बताओ कि आपको कौन सा आइटम इन सब में से अच्छा लगा, और आपको किस टाइप की ज्वेलरी पहनना पसंद है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।